नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 28। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हाईवे पार कर रही किशोरी को बोलेरो गाड़ी ने मारी टक्कर। टक्कर लगने से किशोरी हुई गंभीर घायल। घायल किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। शुक्रवार को क्षेत्र की एक किशोरी बकरी चराने के लिए गई थी। बकरी को लेकर हाईवे पार कर रही थी, तभी तेज गति से आ रही बोलेरो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा देख आवागमन वालों ने गाड़ी को रोककर किशोरी के परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे किशोरी के परिजन व पुलिस ने घायल किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहां हालात गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना जरीफ नगर क्षेत्र के बदायूं दिल्ली हाईवे पर महाबार नदी पुल के समीप जतकी निवासी 13 वर्षीय सोनम पुत्री सैफली गाड़ी को रोककर डायल 112 पुलिस को इसकी सूचना दी और घायल किशोरी के परिजनों को भी इसकी सूचना दी है। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझा कर किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दहगवा के लिए भेज दिया, जहां किशोरी के हालात नाजुक देख कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर पुलिस गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। कार सवार सोरो क्षेत्र के एक गांव के बताए जा रहे हैं। बदायूं से संवाददाता ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।